तो इसलिए पानी में थोड़ा घुस गया, पिक्चर्स वगैरह ली। ये मेरा नाश्ता आ गया, पराठा और ये ज़बरदस्त ऑमलेट, और इसके साथ आ गई है चाय। चाय को यहाँ रखते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी, सो आई होप यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं यहाँ भी पहुँच गया, उम अल कुवैन फोर्ट। मेरे जहन में था ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ये काफ़ी छोटा है। बाकी जो मैंने पैलेस वगैरह देखे थे पुराने, उस हिसाब से ये जो है काफ़ी छोटा है, पर खूबसूरत नज़र आ रहा है बाहर से। ये मेरे पीछे टैंक है, टैंक नंबर 43। ये 43 है उस वक्त का और उसके तोप का, और यहाँ तोपे भी हैं और उसके साथ गोले भी रखे हैं। माशाल्लाह बारिश हो रही है, हल्की 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 बारिश हो रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ा आ गया आज तो। लगता है अंदर विज़िट करने का ना ज़्यादा ही मज़ा होगा। अब अंदर जाके देखते हैं ओपन है या नहीं है। मैंने पढ़ा था 4 दिरहम एंट्री टिकट है, अब देखते हैं कितनी है। अंदर दाखिल हो गए हैं माशाल्लाह। एंट्री टिकट जो है कितनी है? एंट्री टिकट 5 दिरहम की है। दसो जी, ये 5 दिरहम एंट्री टिकट है और ये दिरहम है, ये गया और एक टिकट आ गया। टिकट अंदर चेक तो नहीं करेंगे ना, ये चेक कर सकते हैं कोई वैसे ही पूछ लें तो। ठीक है, ये अहमद भाई हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। पहले मैं समझा कोई मुवातिन बैठा है अरबी, तो अल्लाह इन्हें भी पासपोर्ट दे। तो बाकी ये माशाल्लाह ये कसर देखें जी, खूबसूरत। मैं आपको ज़रा अच्छी क्वालिटी में वीडियो दिखाता हूँ। ये मजलिस थी जो अभी आप लोगों ने देखी है। अब यहाँ से जो है ना महल का अंदर का जो रास्ता है उसमें दाखिल होंगे, उसी तरह मेंटेन किया हुआ है। यहाँ महल के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये महल असल में जो यहाँ का पहले बादशाह था, आई थिंक शेख राशिद नाम था, ये उन्होंने बनवाया था, यहाँ रहते रहे हैं। उसके बाद फिर ये मिलिट्री के अंडर आया था, कुछ हेडक्वार्टर बनाया था, कुछ अरसा रहा। उसके बाद फिर 2000 में जो है इस महल को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। अगर आपने मेरी दूसरी अलैन की वीडियो देखी हो, वो भी तकरीबन 1998 में जो है ना उसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पे मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, आई थिंक ये इसीलिए लगाया हुआ है। यहाँ पे महल की जो हिस्ट्री है उस हवाले से डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। तो अभी तो नहीं चल रही, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दें। इसका दरवाज़ा बहुत छोटा सा है, ऑलमोस्ट मेरा सर जो है बजने वाला था, बर बज के अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, दूसरे कमरे में आपको दिखाता हूँ। एक और रूम आया है
मार्केट, पॉपुलर मार्केट, ये मेरे ख्याल से इसके अंदर मार्केट हुआ करती थी। हर चीज़ का इंतज़ाम जो है वो माल के अंदर ही हुआ करता था। तेरी खैर, ये तार लिखा हुआ है उसकी शॉप है। उसके अलावा महल का जो नक्शा है वो यहाँ पे है। इस तरह का महल है, ऐसा लग रहा है जैसे ड्रोन शॉट ले रहे हैं महल का। और ये उस वक्त के बर्तन वगैरह भी हैं यहाँ पे, कुरान मजीद रखा हुआ है। और ये लंबी सारी मार्केट है, इसके अंदर 5-6 दुकानें हैं। और ये जो है अतार, ये मसाला जात वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा जो है फैब्रिक शॉप, कपड़ों की दुकान आ गई। उसके अलावा ये हलवाई की शॉप है, मेरे ख्याल से हलवा वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या कहते हैं ऐसे ग्रोसरी वगैरह जो उसका सामान होगा। और ये होटल है, कॉफ़ी शॉप वगैरह। तो उसके अलावा ये बंदा जो है पानी भरने जा रहा है। ये वरांडा है महल का छोटा सा, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। और इतना बड़ा तो नहीं है, काफ़ी है, मतलब एक कमरा यहाँ पे है वो बंद है बिल्कुल, अभी तक ताला लगा हुआ है। और ये कमरा आ गया, खजूरें वगैरह जो होती थी ना उसको यहाँ पे जमा किया करते थे, या सफाई वगैरह का काम उसको अलग करना यहाँ पे हुआ करता था। तो इंशाल्लाह यहाँ से तो काफ़ी विज़िट हो गया, यहाँ तक ही बस महल है छोटा सा। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर कुछ कमरे बंद हैं यहाँ पे, कुछ कमरों का पता नहीं क्यों बंद है। अब यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी उसी स्टाइल की पुरानी बनी हुई हैं। और ये एक साथ में मिलिट्री रूम आ गया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी चीज़ें मतलब रखी हुई हैं, पासपोर्ट वगैरह पुराने थे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे वो काफ़ी संभाल के रखे हुए हैं। तब ऊपर चलते हैं, ऊपर वाला कमरा देखते हैं, ये लॉक लगा हुआ है। ऊपर चढ़ के इसे देखते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर से जो है महल का नज़ारा, यहाँ पे आया हूँ। ये शेख रूम है, वो बुज़ुर्ग कहते हैं ये हवा की वजह से जो है वो ज़ोर से दबाव पड़ता है, इसलिए बंद किया हुआ है। आप खोल के विज़िट कर सकते हैं। तो इसको अंदर से विज़िट करते हैं, बस और ला देती हैं चप्पलियाँ, बखैर है कोई नहीं। तो ये रूम आ गया, ये तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा रूम है। ये बेड आ गया और ये संदूक जिसके अंदर सामान वगैरह रखते थे, और सेफ आ गया इसके अंदर पैसे वगैरह रखते थे। और ये खिड़कियाँ, माशाल्लाह खिड़कियाँ कितनी ज़्यादा हैं, उस वक्त की पुरानी बंदूक। और ये वो शेख हैं जिनका ये महल था, ज़बरदस्त। ये जो जगह है ये मैंने इनसे पूछी, ये कहते हैं ये वॉशरूम है। इसका दरवाज़ा अंदर से था, मुझे पता नहीं था, मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा देते हैं। तो ये इस तरह का वॉशरूम था। आधा महल तो विज़िट हो गया, लास्ट में ये वाला कमरा जो है इसे विज़िट करेंगे। अब सीढ़ियों से उतर गए हैं, मिलिट्री रूम आया और उसके साथ ये एक कुआं आ गया। और ये मेरे ख्याल से बंद किया हुआ, ये काफ़ी गहरा नहीं है। अगैन में जो था उसके अंदर पानी भी मौजूद था। यहाँ जो ऊपर दो कमरे हैं इन्हें विजिट करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त रूम है। ये शेखा का रूम था,
शेर की जो अहलिया थी और बच्चे की काट भी पड़ी है छोटी सी, बर्तन वगैरह, और ये मेरे ख्याल से किचन था या वॉशरूम है, आई थिंक ये वॉशरूम जो है बंद है। मतलब उस वक्त के वॉशरूम का इंतज़ाम भी जो है रूम के साथ ही हुआ करता था। और ये बेड आ गया है, काफ़ी ऊंचा है बेड इसके नीचे, तो हमारे पाकिस्तानी तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सामान रख दें। और ये इसके साथ छोटी सी मजलिस रूम आ गई है। और ये दरवाज़े का लॉक, उस वक्त ये लॉक लग गया और ये खुल गया, इस तरह के लॉक हुआ करते थे। ये किचन आ गया, उस वक्त का किचन, इसके अंदर पुराने बर्तन वगैरह, माशाल्लाह ये चैनकें वगैरह जिसके अंदर चाय वगैरह बनाते थे। और ये मेरे ख्याल से कीमा करने वाली मशीन, ये लंगरी और ये तवा, और ये देचके, और ये देखें बड़े बड़े देचके, और ये थाल वगैरह, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह। और ये कश्ती भी इनकी है जिसपे मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे, जाल वगैरह। और इसके साथ ये इनका अपना किचन बनाया हुआ है, और ये स्टोर, और यहाँ पे जो रूम है वेपन्स रूम, ये वेपन्स रूम मैं आपको दिखाता हूँ, महल का जो सिपाही वगैरह थे उनकी वेपन्स जो थे यहाँ पे थे। और ये बंदूकें, और इनके साथ ये गोलियाँ, उस वक्त की गोलियाँ चेक करें, ओहो ख़तरनाक। और ये मेरे ख्याल से बारूद वगैरह जो डालते थे ना बंदूक के अंदर, बारूद वगैरह, ये पुराने ज़माने की गन। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक और रूम है बहुत ज़बरदस्त, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो महल में या कुछ मस्ती वगैरह करे या कुछ ऐसी शरारत करे, जो गलत काम करे, तो उसे जो है यहाँ पे कैद करते थे। ये आ गया प्रिजन रूम, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया प्रिजन, इसके अंदर बंदे को कैद करते थे। और यहाँ पे जो है ना अचानक बंदा जो है ना डरा देते, देखें ऐसे जंजीर के साथ इसको बांध देते थे। और यहाँ पे जो है इसका सिस्टम हुआ करता था, जो यहाँ पे इसको बांधते थे, ख़तरनाक है भाई, अल्लाह बचाए। और यहाँ से अंदर इसको घुसेड़ते थे और यहाँ से दरवाज़ा बंद कर देते थे। जेल के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, ये जो पोल आपको नज़र आ रहा है ना, ये कोई आम नहीं, ये बड़ा ख़ास है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें क्या ख़ास है। इतना बड़ा जो पोल आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो स्टेप बने हुए हैं ना, ये जो कैदी हुआ करते थे ना, तो ये लॉक वगैरह खोल के, ये रॉड बीच में से हटा के, इस चीज़ के अंदर बंदे का पाँव डाल के, फिर ये ऊपर से कुंडी लगा के इसको लॉक लगा देते थे। सज़ा के तौर पे जो है पूरा दिन बंदे यहाँ पे पड़े रहते थे, जितने बंदे भी करने, एक पाँव इसमें डाल के या दो, तो कुंडी लगा के बांध देते थे। ये मुझे अभी यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं ना हमने इसके बारे में ना देखा ना सुना था। मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्लाह पाक बचाए हमें। देखने में तो ये ज़बरदस्त लग रही है, क्या आइडिया था, इसके अंदर पाँव डाल के टांग ऊपर से बंद कर दें, बस पूरा दिन यहीं पड़ा रहे। काफ़ी सख्त अजियतनाक जो सज़ा लग रही है ये भी। और मज़े की बात ये है, यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है, स्टाफ हैं वो भी पाकिस्तान से, रावलपिंडी से हैं माशाल्लाह। तो उनके साथ काफ़ी अच्छी गपशप होगी, और उन्होंने कहा ये चीज़ जो है अभी जो मैंने दिखाई थी, ये भी उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ भी है। और ये आखिरी एक कमरा है, ये मैंने कहा इसे भी विज़िट कर लेते हैं,
देखने में तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये कमरा आ गया, ये मेरे ख्याल से आटा वगैरह पीसने का, ये चक्की यहाँ पे पड़ी है और मटका वगैरह इसके अंदर बैठ के, ये मेरे ख्याल से गर्मियों के लिए है यार, यहाँ पे बैठ के गपशप लगाएं। और ये बेड है यहाँ पे, और बच्चे की काट, इसके अंदर बच्चे को लेटा के सुला देते थे वह, और ये पानी पीने के लिए मटका भी रखा हुआ है। क्या इंतज़ाम किए थे यार, पुराने वक्त का जो दौर है ना, वो मुझे वो बहुत पसंद है। और माशाल्लाह सारा काम ख़त्म हो गया, अब जो है थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। उम्मुल गोइन का पैलेस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे चाचा जी जो थे उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी, और लास्ट में आते हुए उन्होंने मेरे लिए ये गुलाब का गुलदस्ता बनाया, वो पिंडी से थे माशाल्लाह। ये देखें कितना प्यारा गुलदस्ता माशाल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। और वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जगह के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।